चल बादल बादल, ये सॉन्ग इतना प्यारा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा गाना आपने बनाया है और आपने गाया है। चल बादल बादल की स्टोरी ऐसे है कि एक बार इसके लिरिसिस्ट हैं रवि राकेश, वो आए थे हमारे पास एक बार लिखा हुआ ये गीत लेकर। तो उसके बाद में सुना, उसको देखा, पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, उसको कंपोज़ किया, फिर धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर रेडी किया। और रेडी करने के बाद में फिर एक जब पूरा एक उसकी रूह तैयार करनी हुई, तब मैंने अमित मिश्रा और अर्पिता मुखर्जी हमारे जो सिंगर हैं उनको मैंने अप्रोच किया, और इस तरीके से फिर ये गाना बना, तैयार हुआ। थैंक यू सो मच, इन्होंने गाया। गाना तो ऑफकोर्स गाना हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कंपोजिशन बहुत प्यारी है, आप लोग भी सुन ही रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी ख़ास आयरिस म्यूज़िक के बारे में और उसके फाउंडर आकाश वशिष्ठ के बारे में, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और जिन जो ये गाना प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि देख आज के ज़माने में देखिए ऐसे गाने जब बन रहे हैं तो ऐसे लोगों का जो कि अच्छा म्यूज़िक बैक करें बहुत ज़रूरत है। तो हमें बहुत खुशी है कि उनके साथ हमने इस गाने पर काम किया है। एंड एग्जैक्टली हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत करी है, तैयारी करी है, और वो मेहनत तैयारी अगर आप लोग उसको अपना प्यार देकर वो रंग लाती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ साथ आयरिस म्यूज़िक ने इसको सपोर्ट किया है, तो ये भी हमारे लिए एक ब्लिसफुलनेस है। सर इतना रोमांटिक गाना कंपोज करना कैसे, मतलब इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं आप इस गाने को कंपोज करना? कंपोजिशन एक मैं बोलूँगा कि ये एक तरीके से एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी गाने का, और एक उसकी रूह को तैयार करना वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं उसके अंदर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता हूँ, आराम आराम से कंपोज करूँगा, लेकिन टाइम लेकर करूँगा जिससे मेलेडी कहीं पे भी मिस ना हो। और बस ये एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये सब मैं कर पा रहा हूँ। भगवान का, अपने मेरे जितने भी संगीत के गुरु हैं उन लोगों का ही दिया हुआ सब है जो कि एक कंपोजिशन में ढल रहा है। तो ये बस एक ऐसी जर्नी इसकी चालू होती है। ओके अर्पिता जी, मेरा सवाल आपसे है, इतना प्यारा आवाज़ है आपका और इतने प्यारे गाने, कैसे कर लेते हैं आप? देखिए मैं क्योंकि बचपन से ही म्यूज़िक में रही हूँ, तो ऑब्वियसली एक फेज़ होता है, आप बचपन से सीखते हैं, आप एक पूरा एफर्ट डालते हैं अपने आर्ट फॉर्म को निखारने के लिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है बीइंग आर्टिस्ट इन एनी केस, क्योंकि म्यूज़िक एक क्रिएटिव प्रोसेस है, एक इमोशनल प्रोसेस होता है, और आर्टिस्ट जो होते हैं वो भावुक होते हैं बेसिकली। तो वो जो इमोशंस हैं वो आप अपने इमोशंस को, ह्यूमन इमोशंस को बेसिकली ढाल देते हैं एक गाने में, आप एक ज़ुबान दे देते हैं उनको। तो जो कंपोज कर रहा है या जो गा रहा है या जो लिख रहा है, सबके कहीं ना कहीं यू नो एक इमोशन जुड़े हुए रहते हैं, वही भावुकता आप एक गाने में उतारते हैं। सो आई फील दैट इज़ वॉट रियली डिफाइंस सिंगिंग ऑल्सो। जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ में कैसे वो चीज़ आती है या आप कैसे गाते हैं, मैं वही सोच के गाती हूँ। एंड ऑफकोर्स तैयारी तो है कि आप अपनी आवाज़ तैयार भी करते हैं। सो दैट्स हाउ आई फील म्यूजिक इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड इट्स अ इमोशनल प्रोसेस ऑल्सो। आप दोनों फिर से हमें साथ में दिखने वाले हैं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट साथ में है? जी बिल्कुल जी, हमारे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और वो हम लोगों के साथ में किए हुए हैं, तो अभी जल्द ही आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जाते जाते दोनों आप दोनों एक लाइन गा दीजिए इस गाने की। चल बादल बादल हवा हवा, चल दोनों उड़े हम सारा जहां। चल बादल बादल हवा हवा, चल दोनों उड़े हम सारा जहां। हम दोनों चले चल दोनों वहां, जहां ख्वाहिश दे हम तुमको पना।
जहाँ ख्वाहिशें दें हम तुमको पनाह। चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों उड़े हम सारा जहाँ।